हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर फाइन इट योर होम। जो लास्ट में हमने चैप्टर 5 किया था, ठीक है, आज हम करेंगे चैप्टर 6, मोर अबाउट पेंट। ठीक है, पेंट में हमने लास्ट में देखा था कि लाइन टूल किस तरह से यूज़ करना है, पेंसिल टूल किस तरह से यूज़ करना है, ब्रशिश टूल, कलर किस तरह से लेना है, साइज किस तरह से चेंज करनी है, राइट। आज हम करेंगे चैप्टर 6 में मोर अबाउट पेंट, यानी कि आप लोगों को इसमें बहुत सारे अलग अलग टूल है जो आप लोगों को सीखना है। ठीक है, तो आप लोगों को पेंट स्टार्ट करना तो आ गया। ठीक है, देखो मोर अबाउट पेंट में क्या है, आप लोगों को अलग अलग शेप्स के टूल दिए गए थे, राइट। हमने लाइन टूल ही सिर्फ यूज किया था, आप लोगों को इसमें अलग अलग शेप्स दिए हैं। जो शेप्स आप लोगों को चाहिए वो आप लोगों को सिलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे सर्कल, स्क्वेयर, ट्राइंगल, एरो, क्लाउड, स्टार, बहुत सारे आप लोगों को यहाँ पे शेप्स दिए हैं। ठीक है, जैसे कि हम सबसे पहले लेंगे यहाँ पे सर्कल, ठीक है, सर्कल लेंगे, फिर आप लोगों को जो साइज आप लोगों को चेंज करनी है आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस, आप लोगों को कलर चेंज करना है कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोगों को जो कुछ भी करना है माउस का लेफ्ट बटन को कंटिन्यू प्रेस करके माउस को मूव करना है, राइट। सेम प्रोसेस यहाँ पे यही है, आप लोगों को कुछ भी ड्रॉ करना है तो पहले अपने कर्सर को वहाँ पे सेट करना होगा, फिर आप लोगों को लेफ्ट बटन को कंटिन्यू प्रेस करके माउस को मूव करना है। जिस तरह से आप लोगों को सर्कल ड्रॉ करना है आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, जो साइज आपको रखनी है वो आप लोग साइज रख सकते हैं। उसी तरह आप लोगों को जो शेप्स चाहिए वो शेप्स सिलेक्ट करके आप लोगों को कलर चेंज करके आप लोग शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे स्टार लिया हमने, फिर हम क्लाउड्स लेंगे, आप लोगों को जो अच्छा लगे वो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे शेप्स दिए हैं, देखो। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 65 में कर्व टूल। कौन सा टूल है? कर्व टूल। कर्व टूल यानी के अगर आप लोगों को कोई भी कर्व की लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे कि एस होता है, ठीक है, तो इसमें किस तरह से कर्व होता है, ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कर्व सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो जिस तरह से अगर आप लोगों को स्माइली करनी है, ठीक है, तो हम सबसे पहले स्माइली सर्कल लेंगे, फिर हम लोग इसको कलर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, देखो ये हमारा स्माइली का फेस है, ठीक है, स्माइल के फेस में आप लोगों को स्माइली ड्रॉ करनी है। ठीक है, उसके लिप्स ड्रॉ करें तो लिप्स हमेशा कर्व ही होते हैं, राइट। तो हमें ये है हमारी कर्व लाइन, कौन सी लाइन है, ये है हमारी कर्व लाइन, उसमें जाके आप लोगों को क्लिक करना है। ठीक है, फिर कलर आप लोग चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिर देखो आप लोगों को जहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है कर्व लाइन, वहाँ पे पहले आप लोगों को इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, फिर आप लोगों को जहाँ से कर्व करना है वहाँ से लेफ्ट बटन को कंटिन्यू प्रेस करके देखो इस तरह से माउस को मूव करना है। ठीक है, देखो आप लोगों को जिससे कर्व लाइन करनी है आप लोग कर्व लाइन कर सकते हैं। देखो ये शेड बन गया, ये हैप्पी बन गया। ठीक है, आप लोगों को जो अच्छा लगे आप लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये है हमारी कर्व लाइन। नेक्स्ट है हमारा पॉलीगन टूल। पेज नंबर 66 में कौन सा टूल है? पॉलीगन टूल। तो आप लोगों को जो ये साइन दिख रही है उसको कहते हैं पॉलीगन टूल। देखो पॉलीगन टूल में क्या होता है, थ्री साइड से अगर आप लोगों को ज़्यादा कोई भी साइड वाला कुछ भी आप लोगों को ड्रॉइंग करना है, जैसे कि हेक्सागोन, पेंटागोन, ठीक है, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, आप लोगों को किस तरह से शेप्स वाले कोई कुछ भी ड्रॉ करने हैं तो आप लोग पॉलीगन टूल की हेल्प से आप लोग कर सकते हैं। देखो अभी हम जो पॉलीगन टूल यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, फिर हम यहाँ पे कलर भी चेंज करते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो अगर आप लोगों को जहाँ से भी पॉलीगन लाइन ड्रॉ करनी है आप लोगों को लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, एक चीज आप लोग नोट करना, जहाँ पे हमारी लास्ट पॉइंटर होगा, ठीक है, वहां से ही आप लोग ड्रॉप की लाइन कनेक्ट हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे हमने रखा है। ठीक है, फिर जैसे ही आप लोग बटन क्लिक करोगे तो वैसे ही लाइन वहाँ पे जॉइंट होके ड्रॉ हो जाएगी डायरेक्टली। ठीक है, देखो जहाँ से हम करेंगे वहाँ से डाइन लाइन ड्रॉ आप लोग जॉइंट कर सकते हैं। देखो, ठीक है, देखो आप लोगों को जैसा बनाना है शेप आप लोग उसमें शेप बना सकते हैं। देखो ये हमने बना लिए, इसमें बहुत सारी साइड्स है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसमें बहुत सारी साइड्स है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इरेजर टूल।
इरेजर, यानी कि जिस तरह से आप लोग बुक में लिखते हो, तो इसमें आप लोगों को कुछ इरेज करना हो तो किसके हेल्प से करोगे? इरेजर। सेम प्रोसेस यहाँ पे यही है, आप लोगों को कुछ भी इरेज करना है, आप लोगों ने गलत ड्रॉइंग किया है तो आप लोगों को इरेज करना है, तो इरेजर टूल की हेल्प से आप लोग इरेज कर सकते हैं। ये है हमारा इरेजर टूल, देखो सेम इरेजर ही है, देखो ये रहा, ठीक है। अगर आप लोगों को इरेजर को बड़ा करना है तो कंट्रोल की को साथ में प्लस की को प्रेस करनी है, तो ये देखो इरेजर हमारा बड़ा हो गया। फिर आप लोगों को जो पार्ट को इरेज करना है वो आप लोग इरेज कर सकते हैं, लेफ्ट बटन को कंटिन्यू प्रेस करके आप लोग इरेज कर सकते हैं, देखो ठीक है। अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी इरेज करना है तो आप लोग इजीली इरेज कर सकते हो, देखो ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट है हमारा फिल विथ कलर टूल, यानी कि आप लोगों को जिस तरह से कलर करते हैं तो आप लोगों को एक ही साथ कलर करना है तो आप लोग कलर कर सकते हैं। जैसे कि ये है पेंसिल के पास में जो आप लोगों को ये टूल दिख रहा है वो है हमारा फिल विथ कलर टूल। फिल विथ कलर टूल यूज़ करने के लिए आप लोगों को इसमें क्लिक करना होगा, ठीक है। फिर आप लोगों को जो कलर चाहिए, आप लोगों को जो कलर करना है वो आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करके आप लोगों को जैसा कि आप ड्राइंग एरिया में आएंगे तो उसका आइकॉन आप लोगों को दिखाई देगा, देखो ठीक है। फिर आप लोगों को जहाँ पे कलर करना है वहाँ पे आप लोगों को ये ले जाना है, जैसे कि अभी हमने ये शेप के अंदर कलर करना है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे अंदर ले लिया, फिर लेफ्ट बटन क्लिक करना है तो कलर डायरेक्टली हो जाएगा, देखो हो गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं हमारा फिल विथ कलर टूल। नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट टूल, पेज नंबर 69 में क्या लिखा है? टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल में क्या होगा हमारा? टेक्स्ट टूल की हेल्प से अगर आप लोगों को कोई भी अपने पिक्चर में नेम लिखना है तो आप लोग नेम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि टेक्स्ट टूल का ये आइकॉन है ए, ए यानी कि टेक्स्ट टूल, ठीक है। आप लोगों को जो कुछ भी नेम लिखना अच्छा लगता है तो आप लिख सकते हैं। ए टूल में जाके आप लोगों को देखो इस टाइप का आप लोगों को आइकॉन मिलेगा, ठीक है। अभी हमें इसके अंदर अपना नाम लिखना है, ठीक है। तो आप लोगों को लेफ्ट बटन करके आप लोगों को जितना बड़ा नाम लिखना है उतना बॉक्स आप लोगों को बनाना होगा। जिस तरह से आप लोग बॉक्स बनाएंगे उस तरह से आप लोगों को यहाँ पे टेक्स्ट का टैब आ जाएगा, उसमें आप लोगों को जो साइज सॉरी जो आप लोगों को वहाँ पर स्टाइल रखनी है आप लोग स्टाइल रख सकते हैं। फिर आप लोगों को जो साइज रखनी है वो साइज रख सकते हैं आप लोग अपने हिसाब से, ठीक है। जो कलर से लिखना है वो कलर से आप लिख सकते हैं, देखो ठीक है। ये हमने लिख लिया, ठीक है, हो गया। इस तरह से आप लोगों को और कुछ भी लिखना है तो अपना नेम लिखना है तो अपना नेम भी आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिलेक्ट टूल। सिलेक्ट टूल यानी कि आप लोगों को कुछ भी जो सिलेक्ट करना है तो आप लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं। इंसर्ट कॉपी और पेस्ट, जो पार्ट आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है वो आप लोगों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर वही चीज़ आप लोगों को सेम चाहिए तो आप लोगों को इतना पार्ट सिलेक्ट करके उसको पेस्ट कर सकते हैं, तो वो चीज़ आप लोगों को वही सेम मिलेगी। जैसे कि देखो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। चलो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिया स्माइली, क्या करेंगे हम स्माइली, चलो अभी हम सर्कल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने येलो कलर का सर्कल लिया, ठीक है। येलो कलर का सर्कल ही हमें दूसरा चाहिए सेम, तो हम क्या करेंगे जितना पार्ट हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है, जितना पार्ट हमें सेम चाहिए उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये है हमारा सिलेक्ट टूल, देखो दिखाई दे रहा है, सिलेक्ट टूल में जाके आप लोगों को क्लिक करना है। फिर आप लोगों को जितना पार्ट सिलेक्ट करना है लेफ्ट बटन की हेल्प से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है। फिर आप लोगों को क्या करना होगा, लेफ्ट राइट बटन क्लिक करना होगा, अपने माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे तो एक मेनू ओपन होगा, उसमें जाके आप लोगों को कॉपी में क्लिक करना है, ठीक है। फिर आप लोगों को वापस आप लोगों को राइट बटन क्लिक करना है और पेस्ट में क्लिक करना है, देखो आ गया। आप लोगों ने जितना पार्ट सिलेक्ट किया था उतना पार्ट ही आप लोगों को मिलेगा, देखो ये रहा। फिर आप लोगों को जहाँ पे सेट करना है माउस के लेफ्ट बटन की हेल्प से आप लोग सेट कर सकते हैं, देखो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैग्नीफायर टूल, पेज नंबर 72। मैग्नीफायर यानी के जूम,
अगर आप लोगों को कोई भी कुछ भी नज़दीक से देखना है तो मैग्नीफाई टूल की हेल्प से आप लोग देख सकते हैं। तो ये है हमारा मैग्नीफायर टूल। देखो जैसा ही आप लोग इसमें क्लिक करेंगे और ड्राइंग एरिया में आएंगे तो इस तरह का आप लोगों को आइकॉन मिलेगा, यानी कि जो पार्ट को आप लोगों को नज़दीक से देखना है उसमें जाके आप लोगों को क्लिक करना होगा। देखो ये हो गया, ये जूम प्रोसेस ही होती है। ठीक है, देखो ठीक है, ये है हमारा मैग्नीफायर टूल। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू।